अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट मैथ्स। इन मैथ्स दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप यू ऑल विल इंजॉय इट। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक लेट अस काउंट। लेट अस काउंट, ओके। Let us count the butterflies. Let us count the butterflies. हमें यहाँ पर butterflies count करना है. Look at this picture. In this picture, has Yash counted correctly? यहाँ पर जो butterflies है इसे यश ने count किया है. तो देखिए number one butterfly count किया उसने. पहली butterfly को count किया number वन. उसके बाद नेक्स्ट नंबर टू, फिर थर्ड बटरफ्लाई नंबर थ्री, फिर उसने नंबर फोर वाली बटरफ्लाई को काउंट ही नहीं किया, उसने वो छोड़ दिया. उसने नीचे नंबर फोर काउंट किया बटरफ्लाई को, फिर उसके बाद नंबर फाइव काउंट किया और फिर सिक्स काउंट किया. लेकिन उसने, यश ने बटरफ्लाई काउंट किया लेकिन उसने एक बटरफ्लाई छोड़ दिया, उसने उसे काउंट नहीं किया. तो सवाल ये, क्वेश्चन ये है, हैज़ यश काउंटेड करेक्टली? बच्चों गिव मी आंसर, क्या उसने ये सही काउंट किया? हैज़ यश काउंटेड करेक्टली? नो, यश ने बटरफ्लाई करेक्ट काउंट नहीं किया. ओके, क्योंकि उसने एक बटरफ्लाई छोड़ दिया, काउंट करना भूल गया वो. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. इन दिस पिक्चर देयर आर मैनी बटरफ्लाइज. और इस पिक्चर में जो बटरफ्लाइज है वो रमा ने काउंटिंग की है. तो लेट्स सी कैसे रमा ने काउंट किया है. नंबर वन बटरफ्लाई, वन टू, ये देखो नंबर टू बटरफ्लाई. फिर उसके बाद येलो कलर की नंबर थ्री काउंट किया उसने, फिर उसके ऊपर फोर पे गई वो फोर, फिर देन ग्रीन वाली फाइव, फिर रेड वाली सिक्स, ऑरेंज वाली सेवन, और फिर उसने नंबर थ्री को ही उसने डबल से काउंट किया, नंबर एट. कितने बटरफ्लाई काउंट किया उसने? नंबर एट. लेकिन उसने इज रमास काउंटिंग करेक्ट? क्या यहाँ पे रमा ने जो काउंटिंग की वो करेक्ट है? बच्चों गिव मी आंसर, क्या ये उसने करेक्ट काउंट किया? नो. उसने क्या मिस्टेक की? उसने एक बटरफ्लाई को दो बार काउंट किया. ये येलो कलर की बटरफ्लाई को उसने नंबर थ्री में भी काउंट किया और फिर उसने नंबर एट बोल के भी काउंट किया. यानी एक बटरफ्लाई को उसने दो बार काउंट किया. तो यहाँ पे उसकी ये काउंटिंग रॉन्ग है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर. इन दिस पिक्चर मैजिशियन किंगफिशर केम टू देयर हेल्प. मैजिशियन किंगफिशर केम टू देयर हेल्प. He told the butterflies to stay in a line. Magician Kingfisher ने कहा, आया और उसने butterflies को कहा कि एक line में आ जाओ. तो वो he told the butterfly to stay in a line और butterflies एक line में कर दिया. Okay. अब सारी butterflies एक line में आ चुकी है. तो is the counting easy now? अब काउंटिंग ईजी है. इज़ द काउंटिंग ईजी नाउ? हाउ मैनी बटरफ्लाइज आर देयर? हाउ मैनी बटरफ्लाइज आर देयर? अब हम काउंट करेंगे कि यहाँ पर कितनी बटरफ्लाइज है. लेट अस काउंट द बटरफ्लाइज. चलिए हम बटरफ्लाइज को काउंट करते हैं. नंबर वन, हमने नंबर वन काउंट किया. नंबर टू, नंबर टू, then number थ्री, number फोर, what comes after फोर? फाइव. number फाइव, then number सिक्स, and after number सिक्स number सेवन. So how many butterflies are there? How many butterflies are there? अब आपको उनका आंसर पता है. There are सेवन butterflies. There is the counting easy now? अब हमारी काउंटिंग ईजी हो गई है. हमने
अच्छे से काउंट किया और करेक्टली काउंट किया, नंबर भी बराबर से दिए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देयर आर 7 बटरफ्लाइज और हमने उनको करेक्ट नंबरिंग किया है कि 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3। ऐसा नहीं कि हमने 2 के बाद 4 लिख दिया, हमने बराबर सीरियल ऑर्डर में काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7 तो देयर आर 7 बटरफ्लाइज। ओके ओके चिल्ड्रन, राइट नंबर 7 इन दिस बॉक्स, राइट नंबर 7 इन दिस बॉक्स, देयर आर 7 बटरफ्लाइज। हाउ मैनी बटरफ्लाइज आर देयर, देयर आर 7 बटरफ्लाइज, इसलिए हमने ये बॉक्स में नंबर 7 लिखा। ओके, वॉट इज ईजियर, क्या ईजी था, वॉट इज ईजियर, क्या ईजी है, काउंटिंग चिल्ड्रन वाइल दे आर प्लेइंग, जब यश और रमा खेल रहे थे उन्होंने जो बटरफ्लाइज काउंट किए थे, जो उनका काउंटिंग का मेथड था वो करेक्ट है या वो ईजी है, और वाइल दे आर स्टैंडिंग इन अ रो, जब मैजिशियन किंगफिशर ने बटरफ्लाइज को एक रो में लगाया और फिर उसे बच्चों ने काउंट किया वो राइट मेथड था, वाइल दे आर स्टैंडिंग इन अ रो, जो रो में बटरफ्लाइज लगाने के बाद काउंट किए वो करेक्ट है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।